भाई साहब ये देख लो, अरे पहली बार मैं ऐसा स्नेक देख रहा हूँ जिसपे अपन टॉर्च डालेंगे तो इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आओ भाई ये देख लो, पाइथन काफी बड़ा हो जाता है, ये काफी बड़ा ऑलमोस्ट 30-35 फीट तक हो जाता है। ओ भाई साहब रंग बिरंगे इगुआना देख रहे हो, मतलब पहली बार यार मैं खुद अपनी आंखों के सामने इतने रंग बिरंगे इगुआना देख रहा हूँ। देख लो कुत्ते जी, ये अफ्रीकन एगिटर स्नेक है। अफ्रीकन एगिटर, हाँ, ये पिंकी चूहा नहीं खाता है, एग्स खाता है, सिर्फ अंडा ही खाता है। लूसी बॉल पाइथन, हाँ लूसी बॉल पाइथन। अच्छा ये इसका फीड है इसके अंदर, हाँ इसको खाने के लिए डाला हुआ है। इसके आप सिंग देख सकते हैं, जैसे राइनो इसको नाम पड़ा है, हाँ हाँ, तो इसके सिंग आप देख सकते हैं इसके फेस पे। ये देखो भाई एकदम ब्लैक कलर देख रहे हो, और ये है अर्गस मॉनिटर। मतलब भाई एक बार ना मैं इस टर्टल को हाथ में पकड़ना चाहूंगा, तुम देखो कितने छोटे हैं ये। देखिए बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं भाई स्नेक है, हाँ स्नेक ही लग रहा है। नहीं स्नेक नहीं है, ये लेगलेस लिजर्ड है, ये बिना पैर वाला लिजर्ड है। पैर वाला लिजर्ड अब कहते जोदी। यार देखो भाई सबसे मेन बात तुम लोग जानते हो भाई, जो पिछली वीडियो होगी वो अपन ने दिखाया था कैसे अपने जो सैयद भाई है उनकी अपन शादी में गए थे, प्रॉपर पहली बार अपन ने मुस्लिम वेडिंग अटेंड करी। ठीक है, और मजा आया कल यार, मतलब कल तो शादी उनकी हो गई, पर ऑफ कोर्स अब बैंगलोर आए हैं तो बैंगलोर में यार अपने द किंग ऑफ एक्सोटिक पेट्स की अगर अपन शॉप में ना जाए उधर, तुम्हें सारे एक्सोटिक पेट्स ना दिखाए तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना। और तुम लोगों ने भाई सबसे मेन तो ये है कि यार पिछली वीडियो में इतना प्यार दिखाया है भाई, सच बता रहा हूँ। इससे पहले जो अपने वीडियो डाली थी द किंग ऑफ एक्सोटिक पेट्स की, जो अपन बैंगलोर आके शूट की थी सही भाई के साथ, वो वीडियो अपनी यार 3 मिलियन पे है, समझ रहे हो, 3 मिलियन व्यूज यार अभी करीब 2 महीने होने वाले होंगे। तो इतना ज्यादा तुम लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया है, तो सेम प्यार तुम्हें इस वाली वीडियो को भी दे रहा है, क्योंकि रीजन क्या है यार, अब ना बहुत सारे और नए पेट्स भी आ गए, यूनिक यूनिक एक्सोटिक पेट्स शॉप में, तो अभी चल रहे शॉप में है ना, अब आ गए तो शॉप का खतरनाक से वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तुम्हें। बाकी सबसे मेन देख लो यार, भूख लग रही थी, अब इंसान की भी यार नई शादी हुई है, जब पिछले बार आए थे ना तो भाई ने हमें हर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिलाया था फुल, जैसे बोलते ना मंडी खाई थी, मटन मंडी, चिकन मंडी, देखो खाया भी नहीं ना इसलिए चिकन निकल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि यार हम नॉर्मल कैफे वगैरह से ना कुछ ब्रेकफास्ट का सामान लेके आ गए, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, खाऊंगा तो आराम से, तुम देख लो। तुम देखो यार ये है अपना कुछ चिकन बर्गर, और इसके अंदर चेक करते हैं क्या क्या है, क्योंकि खाने के थोड़े बहुत आइटम है कि बढ़िया अपन थोड़ा पेट पूजा कर लेना, फिर तुम्हें एनिमल्स दिखाएंगे खतरनाक। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे भी खुद को नहीं बताया क्या क्या एनिमल्स है अपने शॉप में, इतनी खबर आई कि हाँ मजा आने वाला है मुझे भी और तुम लोगों को भी। ठीक है, ये यार अपने समोसे हैं धीरज भाई के लिए, ना धीरज भाई समोसों को नहीं भूलता यार, कहाँ भी जाए, थोड़ा देसी आदमी है ना अपना। इसके अंदर देखो, इसके अंदर है सैंडविच, ठीक है, तो बढ़िया अपन सैंडविच भी खाएंगे, सैंडविच चिकन बर्गर, और शायद से इसमें एक आइटम और है, वो है एग पफ। खाते हैं फिर निकलते हैं कर्नाटका एक्वेरियम, तुम्हें सीन दिखाते गलत, ठीक है, फुल गलत। तो यार देखो अभी हम आ गए हैं सैयद भाई की ना नई शॉप है ये, जो मतलब नई शॉप बन रही है प्रॉपर, और यहाँ पे भाई ने प्रॉपर बहुत नई नई यूनिक यूनिक रेप्टाइल्स रखे हुए, तो आओ यार भाई से तो बात करते हैं। सबसे पहले तो यार भाई को तुम कांग्रेचुलेशन कर देना शादी भाई की नई नई हुई है, ठीक है। थैंक यू मजा आ गया, मतलब मैं तो कल अटेंड भी किया भाई, मतलब सच में बहुत बढ़िया इवेंट था। चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी, कोई दिक्कत बात नहीं है, अभी अपन ना इस वीडियो को शॉप में जाके भी कर, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं एक्सोटिक वो शॉप में भी है, जो करंट शॉप है लेकिन रेडी हो रहा है, हाँ ये भी बन रही है शॉप, और इधर ही बहुत सारे एनिमल भाई रख रहे, तो आओ भाई शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं अर्जेंटीना टेगू है, इसको अर्जेंटीना कंट्री है इसका नाम। अच्छा, इसकी ब्रीड है टेगू, ब्लैक एंड व्हाइट टेगू है, और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर हेल्दी कंडीशन में। तो जो हमने मतलब पिछली बार टेगू दिखाया था वो फुल्ली ग्रोन था, हाँ फुल्ली ग्रोन, मतलब वो भी थोड़े छोटे थे। अच्छा, फुल्ली एडल्ट होते हैं, ये काफी बड़े जाड़े होते हैं, देख लो यार पास से देखो भाई टेगू, क्योंकि पहली बार हम तो चैनल पे ना मैं टेगू का बच्चा दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सब मेरे पास पर्सनल ब्रीड हुआ स्टॉक है। अच्छा, ये पूरा मेरे पास पर्सनल ब्रीड हुआ है। और वैसे काफी लोग बोलते हैं भाई, जरा उनको भी आप जवाब दो, क्योंकि अपनी वीडियो काफी हिट गई थी पिछली बार, आपको पता ही है, तो उसमें काफी बंदों के कमेंट्स आए थे कि यार इस तरीके से केज में रखना चाहिए, ये गलत है, आप जरा बताओ कि एग्जॉटिक एनिमल्स और नॉर्मल एनिमल्स बहुत अलग होते हैं, ये जरा लोगों को पता नहीं है। रेप्टाइल्स, कॉमन रेप्टाइल्स और एग्जॉटिक रेप्टाइल्स में भी काफी सारे रेप्टाइल्स आते हैं, और अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग तरीके से रखते हैं। मैं आपको सभी का सेटअप बताऊंगा, आप अभी ये सेटअप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरा सब्सक्रेट डाला हुआ है। ओके, तो इसमें अभी मेरे पास जो है लेगलेस लिजर्ड है। अच्छा, और इसमें आप देख सकते हैं मैंने न्यूज़पेपर लगाया हुआ है, जिसको जो चाहिए वही देंगे। और इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर मैंने वायरिंग दी हुई है, जिसमें हीट मैट लगा हुआ है, आप इधर एक मैट देख सकते हैं, हीट मैट लगा हुआ है, तो पब्लिक बोलने से इसमें कुछ नहीं होता। हमारा एनिमल है, हमारे को भी दर्द है, क्योंकि मैं भी एनिमल लवर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल,
तो एनिमल को कुछ भी होने से पहले उसका टेक केयर प्रॉपर कर लेते हैं। अभी आप इधर देख सकते हैं, मैंने इग्वाना को जो है अभी रेगुलर कॉमन इग्वानास है, ये मेरे खुद के फार्म के बच्चे हैं, मतलब ब्रीड किए हुए बच्चे हैं। तो अभी आप ये इग्वानास देख सकते हैं, काफी हेल्दी कंडीशन में है। अच्छा, और सारे बच्चे हैं है ना? हाँ, बच्चे हैं। ओके, तो काफी सारे हेल्दी कंडीशन में। और देख लो काफी देखिए, प्रॉपर मैंने लाइट लगाया हुआ है इसको, जो हेल्थ मतलब यूवी रे सही होते हैं इनको। हाँ, यूवी भी लाइट सही होता है। तो मैंने इसको हीट लैंप लगाया हुआ है, अभी कॉमन जो हीट लैंप बोलते हैं वो कॉमन हीट लैंप लगाया हुआ है। अच्छा, इस वजह से ताकि इनका जो मतलब इन्वायरमेंट है वो चेंज ना हो। इनको प्रॉपर हीट चाहिए। और जो जिस कंट्री में इग्वानास रहते हैं उस कंट्री में आजकल इग्वानास काफी मर रहे हैं, बिकॉज आइस की वजह से, कोल्ड की वजह से पेड़ पे से गिर के मर रहे हैं। तो लेकिन जरा पब्लिक को वो बताओ यार, आप वो फ्लोरिडा में कैसे Florida, मतलब भाई मैं बता रहा हूँ, फ्लोरिडा में ऐसा हो गया कि इगुआना इतने ज्यादा हो गए ना, सरकार ने ये बोल दिया उनको आप शूट कर सकते हो, उनको कर सकते हो और उनको मारते भी हैं, खाते भी हैं। और हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में नहीं, काफी सारी जगह पे आज इनको पेट के तौर पे पाला जा रहा है। उसी को बोलते हैं एनिमल रेस्क्यूइंग प्लस कीपिंग, कंजर्वेशन भी तो हो रहा है। हाँ, अच्छा ब्रीड भी कर रहे हैं हम लोग, इनकी जो है जनरेशन वो बढ़ा भी रहे हैं। और आजकल इंडिया में भी इगुआना कॉमन, मतलब कॉमन हो गया है। हाँ, बहुत कॉमन, अब तो कॉमन हो गया है। तो सभी को पता चल गया है कि कैसे क्या रखना है। आप अभी ये स्नेक को देख सकते हैं, इसको मैंने स्मॉल बॉक्स में रखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है ये इसमें कंफर्टेबली रह लेगा। अच्छा, तो इस हिसाब से मैंने इसको स्मॉल कंटेनर में रखा हुआ है। और आप स्नेक देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल है, काफी रेयर है। अच्छा, तो ना ये देखिए, ये बात तो हो गई अपनी यार, थोड़ी सी लोगों को समझाने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं वैरायटी और रेट्स के ऊपर, जो लोगों को जानना होता है। सही बात है। तो ये कौन सी वैरायटी अपनी स्नेक की? ये किंग स्नेक है। अच्छा, किंग स्नेक। हाँ, किंग स्नेक है। काफी ब्यूटीफुल कलर है इसका, काफी। तो ये वेनमस होता है? नहीं नहीं, वेनमस तो हम सेल नहीं कर सकते ना। वेनमस, और ये जो मैं स्नेक्स जो भी सेल करता हूँ ये खुद की ब्रीड के हैं, और जो मेरे पास जो ब्रीड होते हैं मैं वही सेल करता हूँ। और स्नेक्स ही तो देखो बहुत सारी वैरायटीज है भैया के पास यार, आधी इधर आधी शॉप में। तो वीडियो को तुम्हें लास्ट तक देना, बड़ी वीडियो खाना होने लेके बैठ जाओ यार, क्योंकि हम इधर का भी, ये नई शॉप का भी और जो अपनी ओरिजिनल शॉप है उधर का भी तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो यार, नेक्स्ट वैरायटी अपने पास ये वाला स्नेक है, जरा नाम क्या है इसका? इसका नाम है जंगल कारपेट। जंगल कारपेट, हाँ, जंगल कारपेट पाइथन है ये, थोड़ा। अच्छा, पाइथन है ये? हाँ, पाइथन है, काफी बड़ा हो जाता है ये, काफी बड़ा। अच्छा। ऑलमोस्ट 30-35 फीट तक हो जाता है। अच्छा जी, और इसका क्या प्राइस है फिर? इसका मैंने रखा हुआ है अराउंड 1,50,000 रुपीज सिंगल पीस का। मतलब ये रेयर भी होगा उस हिसाब से फिर? हाँ, रेयर है। नाम ये सब याद करते रहो, क्योंकि भाई ये इधर जो तुम जानते हो स्पेशली बैंगलोर में, या जो मैं तुम्हें ब्रीड्स दिखाता हूँ वो भाई पूरे भारत में ऐसे नहीं देखने मिलती है ना, तभी अपनी वीडियो को लोग इतना प्यार करते हैं। ये कौन सी ब्रीड है? ये कारपेट ही है। अच्छा, लेकिन आप इसको अल्बाइनो कारपेट भी बोल सकते हैं। इसका लुक देख रहा है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, सही बता रहा हूँ, अल्बाइनो कारपेट स्नेक का नाम है, ठीक है। देख लो यार, मतलब प्रॉपर नींबू भाई। लेकिन आप छू सकते हैं ऐसा? ये कौन सी बात है, मिलता प्यार नहीं आपको? ये काटेगा पर छू सकते हो, गलत बात है। और प्यार दिखाओ वीडियो में भैया, हमसे और प्यार करें, ठीक है, लाइक मार दो। अगर फीडिंग चाहिए ना, हाँ हाँ, तो फीडिंग अगर इनको प्रॉपर मिल जाएगी तो ये बाइट नहीं करेंगे। अभी मैंने इनको फीडिंग इस वजह से नहीं दिया हूँ क्योंकि अभी आप बाहर का क्लाइमेट देख रहे हैं, बारिश पड़ रहा है। हाँ। तो इस क्लाइमेट में इनको प्रॉपर फीडिंग अगर दे देंगे तो अगले आने वाले जो गर्मी का सीजन रहेगा उसमें 6-7 महीना खाना छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, तो अभी इनको 15 डेज के लिए खाना नहीं डालेंगे। एक्चुअली ये खाते ही 15 डेज में 2 बार। अच्छा। तो वो 2 बार हम इनको खाना नहीं डालेंगे तो साल भर रेगुलर मस्त खाएंगे। और रच के खाते होंगे फिर तो? हाँ हाँ, दबा के। यार मुझे ये बताओ ना, इस सांप में आपने ये नहीं बताया, इधर पास आई जरा, ये इसके दांत है? ये नहीं नहीं, दांत नहीं है, वो अलग से कट हुआ है, शेप है वो। अच्छा, शेप है ये इसका। हर एक पाइथन को क्या होता है, अलग अलग शेप आता है। अभी आप उसको देख रहे हैं नीचे आया हुआ है। हाँ। आप बॉल पाइथन को देखिए ऊपर, ये देखो बॉल पाइथन है। अच्छा। हाँ, ये अच्छा, ये जो कट से देख सकते हैं ऊपर आया हुआ है। आपको एक और ब्यूटीफुल चीज दिखाऊंगा। हाँ। इसमें पाइथन में आप देख सकते हैं, इसमें पाइथन देख सकते हैं, ये अभी अडल्ट है मेल। अच्छा। हाँ, इसमें इसका आप कलर देख सकते हैं पूरा, इसमें आप कितना कलर देख सकते हैं, येलो है, ब्लैक है, ब्राउन है, जेट ब्लैक है, तो इसमें काफी सारे कलर हैं। और मैं आपको एक रेरेस्ट स्नेक भी बताऊंगा। अच्छा। आप देखते रहेंगे गूगल वगैरह पे। अच्छा जी, तो एक रेरेस्ट चीज भी दिखाऊंगा स्नेक में। ये नाम है व्हाइट लिप पाइथन। अच्छा, क्या? व्हाइट लिप। व्हाइट लिप। अच्छा, क्या इसके लिप्स व्हाइट होते हैं? हाँ, लिप्स व्हाइट होते हैं, आप इधर देख सकते हैं। भाई पास से दिखाओ यार। काटने में एकदम नंबर 1 है। अच्छा जी। हाँ, काटने में एकदम नंबर 1।
भाई ये सच में बहुत यूनिक लग रहा है यार, पूरा रेनबो कलर आएगा इस पे, आप टॉर्च डालिए और कलर इसका ग्लो होगा। हाँ तो रुको मैं डालता हूँ, हाथ थोड़ा दूर रखो। अच्छा हाथ दूर से, ओ भाई साहब ये देख ले, अरे पहली बार मैं ऐसा स्नेक देख रहा हूँ जिसपे अपन टॉर्च डालेंगे तो इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है आओ भाई ये देख लो, यहाँ से मैंने टॉर्च डाला। ओके तो ये अच्छा ये अभी शेडिंग पे है। एक्चुअली आप इसकी आंख देख सकते हैं, इधर से आप देख सकते हैं आंख पूरी व्हाइट ब्लर हो गई। हाँ सही में, तो अभी ये शेडिंग पे है, जब ये ऊपर की चमड़ी निकाल देगा ना तो और ग्लो करेगा। आप इसका अगर गूगल पिक देखेंगे, व्हाइट क्लिप पाइथन गूगल पे भी डालेंगे तो ये काफी अच्छा ग्लो करेगा। नहीं सही में, जैसे मैंने फ्लैश डाला तुम देख रहे होगे, इसके जो स्किन के ऊपर वाली जो परत है ना वो थोड़ी रेनबोइश में हो गई। ठीक है तो ये यार काफी सच में बहुत यूनिक स्नेक था। अच्छा ये ब्लू इगुआना है, ब्यूटीफुल ब्लू इगुआना है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं काफी। इसकी प्राइस बताओ, लोगों ने इगुआना चाहिए होते हैं। हाँ इगुआना देखिए, ब्लू इगुआना मैं 25,000 रुपीस ईच पीस में दे रहा हूँ। हाँ हाँ 25,000 रुपीस है जो बेबी है। ओके और इसमें मेरे पास इगुआनास में भी काफी सारे वैरायटी हैं। हाँ हाँ जैसे अभी ब्लू इगुआना बताया मैंने, ये देखो आप ये देख सकते हैं ग्रीन इगुआना, और ग्रीन इगुआना का जो प्राइस है वो पड़ जाएगा 9,000 रुपीस। लेकिन एक्चुअल में ग्रीन तो ये इधर आओ, अगर तुम्हें लग रहा हो कि वो हल्का ग्रीन है तो तुम देखो यहाँ पे ग्रीन इगुआना प्रॉपर वाले वीडियो बहुत मतलब लगभग आपके पास देख रहा हूँ सारे ग्रीन इगुआना ही है। ये देख लो यहाँ पे ग्रीन इगुआना है, लुटिनो है। हाँ लुटिनो इगुआना। एक मुझे बताया था यहाँ पे किसी भाई ने कि एक राइनो इगुआना भी आ गया नया, मतलब पुराना होगा शायद। बताता हूँ आप, ये देखिए लुटिनो इगुआना है, आप इधर से इसका कैप करिए। ओके ब्यूटीफुल आएगा ये, इसको मैं हाथ में भी लेके बताऊंगा। और इसके आईज भी आप देखेंगे, आप इसके आईज देखिए, ये लुटिनो इगुआना है। तुम देखो ये 45,000 रुपीस सिंगल पीस है। अच्छा और मैंने सुना इसको एल्बाइनो इगुआना नहीं बोलते, लुटिनो और अल्बाइनो, रेडाई जिसको आता है लुटिनो अल्बाइनो में मिल जाता है। अच्छा। इसको हम लुटिनो इस वजह से बोलते हैं, ये येलो कलर में है। अच्छा रेडाई प्लस येलो कलर में जो आता है वो लुटिनो हो गया। हाँ। व्हाइट मिल्किस्ट व्हाइट कलर प्लस रेडाई आ गया वो अल्बाइनो। अच्छा लिटिल बिट डिफरेंस है। हाँ तो मैं आपको अल्बाइनो और स्नो बताता हूँ। स्नो इगुआना भी है, ये पूरे वर्ल्ड में भी रेयर है, हमारे इंडिया में है ही नहीं किसी के पास, काफी लोगों के पास है नहीं। हाँ। तो मैं आपको इसकी अगर असली कलर अगर बताना चाहते हैं। हाँ हाँ। तो मैं सभी कलर के इगुआना अगर एक एक हाथ में ले लूंगा तो ये और खूबसूरत लगेंगे। ये देखो भाई, ओ भाई साहब रंग बिरंगे इगुआना देख रहे हो, मतलब पहली बार यार मैं खुद अपने आंखों के सामने इतने रंग बिरंगे इगुआना देख रहे हो। देख लो ब्लू इगुआना, लैटिनो इगुआना, स्नो इगुआना, और यहाँ पे आ जाएगा अपना ग्रीन इगुआना, ग्रीन इगुआना साथ में। तो आप ये कलर्स देख सकते हैं, ये हो गया आपका ग्रीन इगुआना, लुटिनो इगुआना, ब्लू इगुआना, स्नो इगुआना। अरे स्नो इगुआना देख सकते हैं, ये देखो काफी रेयर स्पीशी में। ओ भाई साहब ओए पकड़ो उसको, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा। ओ भाई इसके नाखून बहुत बड़े होते हैं यार। अच्छा अब सबसे मेन ना यहाँ पे हमने वैरायटी दिखा दी, पर एक है राइनो इगुआना, और भैया के पास ना यही पे वो इतना वड्डा पड़ा हुआ है भाई, वो दिखाएं हम। हाँ राइनो इगुआना भी दिखाएंगे, मजा आएगा देखते रहो। राइनो इगुआना के पास जो है मेरे पास वो बेबीज भी है, और पहले जो मैं स्नेक्स बता रहा हूँ उसकी मैं पहले वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है स्नेक्स की, ताकि हम भी कंफ्यूज ना है। तो तेरी ये अफ्रीकन एग ईटर स्नेक है, अफ्रीकन एग ईटर। हाँ ये पिंकी चूहा नहीं खाता है, एग्स खाता है, सिर्फ अंडा ही खाता है। अच्छा आप इसको हाथ में अंडा रख लीजिए, ऐसे देंगे तो अंडा भी खा लेगा। अंडा मतलब कैसे, चबाता है निकल जाता है? निगलता है। अच्छा निगलता है, अंडा अंदर फोड़ता है। अच्छा फिर जो ऊपर का चमड़ा रहता है उसको बाहर निकाल देता है। अच्छा जी अफ्रीकन एगिटर स्नेक काफी रेयर है, काफी रेयर स्पीशी है, और पहले दिखा रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा सबसे पहली बार दिखा रहे हो आप? हाँ, सबसे पहली बार YouTube पे देख रहे हो, इसी बात पे वीडियो को लाइक और शेयर मार दो वीडियो पहले ही। ठीक है बाकी आओ वीडियो लंबी है, कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारा आइटम है। अच्छा उससे पहले मेरा डाउट था यार। हाँ। ये बता दो आप कि ये सारे एनिमल जो है वो सारे लीगल है, इनके पेपर भैया के पास होते हैं? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लोगों को भाई, क्योंकि लोगों को ना वो विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या देख रहे हैं, उनको सबको लगा कि यार मतलब अधिकतर लोगों को लगा कि ये क्या चीजें लीगल है कि नहीं। नहीं 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 100% लीगल है, तभी हम लोग इनको सेल करते हैं और तभी वीडियो बना रहे हैं यार, हम भी कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पे, हमें पता है रूल्स नॉर्म्स जो होते हैं। ठीक है ये देख लो भाई अफ्रीकन एगिटर्स है, अडल्ट मेल फीमेल है। हाँ हाँ। जिसको भी चाहिए फटाफट कांटेक्ट करिए। हाँ। मिल जाएगा, पूरा इंडिया डिलीवर है। डिस्क्रिप्शन मैंने एड्रेस नंबर सब दे रखा है। ठीक है इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 1,50,000 रुपीस सिंगल पीस है। हाँ हाँ। क्योंकि ये रेरेस्ट आ जाता है इस वजह से बहुत ज्यादा रेट है, और एगिटर स्नेक
आई थिंक पूरे वर्ल्ड में काफी कम स्नेक्स हैं। अंडा खाने वाला स्नेक काफी यूनिक आ जाता है, एकदम टर्नअप पे आ जाता है, चूहे से अंडा। ये बात तो सही बोल रहे हैं, काफी यूनिक में आ जाता है, इस वजह से थोड़ा रेयर ही मिलते हैं। तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल से पूरा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करता हूँ। एक पीस का 25,000 रुपीज है। कौन स्नेक है? कौन स्नेक? बहुत वायरल स्नेक है यार ये, देख लो इतना छोटा और क्यूट होता है। देख लो ये अलग वैरायटी है और ये अलग शेड में बेसिकली है। शेड भी अलग है और इसमें काफी अच्छे अच्छे म्यूटेशन वेरिएंट जो भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो पांच सौ धीरज देख सकते हैं, रेड कलर में है। तेरी। अच्छा, ये रेड कलर में कौन स्नेक है? स्नो कॉर्न स्नेक है। स्नो कॉर्न स्नेक, इसमें भी ये सारी शेड्स हैं? हाँ, स्नो में है। अच्छा, स्नो में है। काफी सारे मेरे पास ऐसे कॉर्न स्नेक हैं जो अलग अलग म्यूटेशन है। और ये बजट में आ जाएगा तुम लोगों के? ये 25,000 रुपीज जो स्टार्टर है, जैसे रेप्टाइल में भाई स्टार्टिंग रखूंगा तो पहले ग्रीन इग्वाना पे जाएंगे, अगर स्नेक्स में है तो कॉर्न स्नेक पे जाएंगे, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो काफी कम है। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, काफी सारे लोग इससे स्टार्ट भी कर रहे हैं। और मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आए थे तो वो स्नेक्स इतने क्यूट देख के एक लेने की बजाय चार स्नेक लेके गए। अच्छा, तो ये ऐसे क्यूट एनिमल्स हैं। और बाकी देखो भाई तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम मेरा नाम लेके जाओगे 10% डिस्काउंट भैया की तरफ से, ठीक है? प्रॉपर स्नेक दिखने में भी डेंजरस है। अच्छा, लेकिन दूर हो गया? नहीं, खाली दिखने में डेंजरस है। देख सकते हैं पूरा जेट ब्लैक। हाँ यार, तो पूरा ब्लैक मैक्सिकन किंग स्नेक बोलते हैं इसको, पूरा जेट ब्लैक। हाँ यार, ये सारी वैरायटीज कहाँ से लेके आते हो? मतलब सुनी भी नहीं होती। ब्रीड करता हूँ मैक्सिकन वाला स्नेक, देख रहे हो क्या? मैक्सिकन किंग स्नेक। मैक्सिकन किंग स्नेक, ओ भाई साहब, भाई कितने स्नेक है? स्नेक है ये, देख लो भाई, एक और वैरायटी स्नेक की आ गई अपने पास यार। ये भी किंग स्नेक है। अच्छा, किंग स्नेक अलग शेड में? अलग शेड में। और कुछ है? और भी काफी सारे है। अच्छा, वो अलग अलग वीडियोस में बताते रहेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं लूसी बॉल पाइथन। हाँ, लूसी बॉल पाइथन। अच्छा, ये इसका फीड है इसके अंदर? हाँ, इसको खाने के लिए डाला हुआ है। तो अभी इसको मून नहीं है खाने का? नहीं, अभी मून नहीं, थोड़े टाइम में आ जाएगा। अच्छा जी, इसको पानी पिलाएंगे तो ऑटोमेटिक। तब तक कोई दिक्कत नहीं है कि ये इसके साथ में रहे ऐसे? मतलब इनका मूड 10 मिनट खा लेगा वो। मतलब 10 मिनट में? मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। अभी खाना पानी डालने के लिए आए तो। अच्छा, तो मतलब अभी ही डाला है आपने इसको? हाँ, अभी डाला हुआ। तो देखो यार, अपने सामने यहाँ पे ये है राइनो इग्वाना, ठीक है? और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई हैंडलिंग थोड़ी हार्ड हो रही बेहतर से, तो भाई इतने बड़े इग्वाना को ना थोड़ा इस तरीके से पकड़ना पड़ता है यार, समझ लो। ये कॉमन इग्वाना जैसा नहीं है। अच्छा, ये राइनो इग्वाना है तो इसका पावर भी राइनो जैसा ही रहेगा। हाँ हाँ, एकदम खतरनाक वाला। इसके यार तुम भाई नाखून देखो, भाई नाखून दिखा दीजिए। बहुत सारे खा चुका हूँ क्योंकि जो मेरे इन्क्लोजर में है ऑलमोस्ट 300 जो ब्रीडिंग ब्रीडिंग साइज में है, 300 इग्वानास है। अच्छा, तो कोई ना कोई काट लेता है, एक बार अंदर घुसता हूँ तो कोई ना कोई काट लेता है। लेकिन यार ये सबसे पहली बार मैं देखो इग्वानास के ऊपर कब से वीडियो आ रहा हूँ, तुम लोगों ने काफी मतलब मेरी इग्वाना को वीडियो देखी, जब मैं जितने बंदों से मिला हूँ इग्वाना कॉमन हो गया, लेकिन ये इग्वाना आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। ये दिखा के भी नहीं है इंडिया में, पहली बार जो है वो आप ही का चैनल दिखा रहा है और मैं ही दिखा रहा हूँ, देख रहे हो? इसी बात पे दोबारा से लाइक, अच्छा दोबारा लाइक करने से डिसलाइक आता है, अगर लाइक कर दे डिसलाइक मत करना, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो भाई, ठीक है? तो देख लो भाई, सबसे आखिरी चीज अपने इस नए वाले शॉप में तुम्हें दिखा रहे हैं वो है मॉनिटर लिजर्ड। जो स्टार्टिंग का था ना वीडियो की, वो था टेगू। टेगू अलग चीज है, मॉनिटर लिजर्ड अलग है। जरा बताओ यार ये क्यों रेयर है? रेयरेस्ट इस वजह से है, पहली बात तो ये वाटर मॉनिटर्स है। अच्छा, वाटर मॉनिटर इंडिया में भी मिलते हैं लेकिन ये इंडियन वाटर मॉनिटर्स नहीं है। आप ये देख सकते हैं जेट ब्लैक में है। ओ भाई साहब, पूरा जेट ब्लैक, ये पहली बार देख रहा हूँ। इसके पूरा जेट ब्लैक, मुंह देखने में थोड़ा क्रोकोड एलिगेटर टाइप का लग रहा है। एलिगेटर नहीं है, मॉनिटर है। नहीं, वो तो ठीक है, पर इसका शक्ल थोड़ा सा वैसा लग रहा है। हाँ, इसकी आंख देख सकते हैं, एकदम ब्लैक कलर, देख रहे हो? और ये है अर्गस मॉनिटर। अच्छा, और इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाएगा मेरे पास। ये नहीं कि भाई आया पैसे दिया मॉनिटर लेके चला गया। अच्छा, मतलब बंदों को डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे? क्योंकि हाँ, जो बाय करेंगे ना तो उनको भी हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलेंगे। बिना डॉक्यूमेंट के हम पहली बात ये सेल नहीं करेंगे, बिकॉज इनका जो है अभी परिवेश बोल के एक हमारा ये है वेबसाइट है, हमारा नहीं गवर्नमेंट का है, तो प्रॉपर उधर पे इन सब का रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने उनको उधर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो कोई भी इनको लेना चाहता है तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करिए, और जो भी एनिमल में आपको रेरेस्ट से रेरेस्ट
एग्जॉटिक एनिमल चाहिए सब मिल इसका प्राइस कितना है फिर इसका है 2 लाख रुपए मतलब ये सबसे रेयर हो गया हाँ रेयर है क्योंकि लिक्विड क्या वाटर वो हो गया वाटर मॉनिटर है आप वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं वाटर मॉनिटर वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि अभी चले आओ अर्गस अर्गस मॉनिटर भी जो है वो काफी बड़ा होता है ये भी 9 फीट तक चला जाता है ये ऑलमोस्ट समझिए एक बकरे का बच्चा निगल लेगा क्या बात इतना बड़ा हो जाता है एक बकरे का बच्चा आराम से खा सकता है ये काफी बड़े हो जाते हैं अच्छा। और किसी का फार्म हाउस वगैरह है किसी को फार्म हाउस भी सेटअप करना है तो वो भी हम लोग सेटअप कर देते हैं अच्छा और इन सब का जो रेप्टाइल्स का प्राइस है ये स्टार्टिंग है मेरे पास 90,000-95,000 से लेके 10 लाख तक भी मेरे पास अभी रेप्टाइल अवेलेबल है रेप्टाइल तो काफी सारे इसमें वेरिएंट्स हैं मेरे पास तो देख लो लास्ट में अपनी एक चीज रह गई थी वो है सलगटा टॉर्टोइज ये टॉर्टोइज है ठीक है और ये अगर तुम्हें याद हो अपन ने तो पिछली वीडियो आई थी यहाँ पे उसमें भी अपने तुम्हें दिखाया था पर फॉर द चेंज दोबारा देखो क्योंकि ऐसी चीजें बार बार देखने नहीं मिलती यार ठीक है जरा बताए इस बारे में तो अभी मेरे पास सलकटा टॉर्टोइज है जो पाम साइज भी है अच्छा और मेरे पास आप ये देख सकते हैं तीन साइज के सलकटास है थोड़ा बड़ा है छोटा और उससे छोटा तो इसका जो प्राइस है वो 25,000 रुपीज़ सिंगल पीस है सलकटा बेबी का ये 25,000 रुपीज़ है सिंगल पीस ये थर्ड लार्जेस्ट स्पीशीज में आते हैं अच्छा टॉर्टोइज में काफ़ी बड़े होने वाले जो स्पीशीज है उसमें ये थर्ड स्पीशी में है और जो फर्स्ट है वो गैलापैकस है सेकेंड जो है वो अल्डब्रा है और थर्ड जो है वो सलकटा है तो वर्ल्ड बहुत बड़े होने वाले स्पीशीज है और सलकटा टॉर्टोइज बहुत लोग इनको वास्तु के लिए भी रखते हैं और अच्छा। हॉबी के लिए भी रखते हैं और एग्जॉटिक के लिए भी रखते हैं इनको ब्रीडिंग के लिए भी रखते हैं तो ऐसे मेरे पास अभी सलकटा टॉर्टोइज काफ़ी सारे वैरायटीज भी हैं और काफ़ी सारी क्वांटिटी भी है तो ये भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा जिसको भी चाहिए तो यार वेलकम है तुम्हें देखो अब हम आ गए हैं शॉप में ठीक है और तुम देख लो भाई तुम्हें बताया जैसे कि शॉप में भी ना काफी सारी वैरायटीज है अपने पास और सबसे मेन जो मैंने पहले कभी वीडियोस में दिखाया ही नहीं वो है रेडियस स्लाइडर्स लेकिन इतुतु से रेडियस स्लाइडर टर्टल ये देखो भाई यहाँ पे कितने छोटे छोटे मतलब भाई एक बार ना मैं इस टर्टल को हाथ में पकड़ना चाहूंगा तुम देखो कितने छोटे हैं ये तुम्हें क्या लग रहा है ये बहुत छोटे हैं भाई ये फुल उतरी ये देख रहे हो ये फुल माइन्यूट वाली टर्टल है यार और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिमांड इसकी होती है ना बहुत ज्यादा सेल होते हैं बहुत ज्यादा तो ये कितने के होते हैं ये पेयर 1400 का है अच्छा देख लो भाई पेयर एक पेयर इंडिया डिलीवरी करते हैं तो काफी अच्छा सेल होता है काफी लोग कहते हैं कि यार सैयद भाई पे कनाड के ग्रह में काफी महंगे सामान मिलते हैं तो देख लो भाई 1400 रुपए का पेयर मिल रहा है तुम्हें रेडियस स्लाइडर टर्टल है ना तो देखो यार कितना क्यूट लग रहा है देखो कितना पास कैसे कैसे शांत हो गया देख लो और तेरी मेरे हाथ में अब ये कंफर्टेबल हो गया है देखो पहले छपट रहा था लेकिन अब देखो कितना सही लग रहा है हा? क्या बात है और पेट्स के लिए काफी तो अच्छा होता है मतलब पेट आराम से होता है हाँ काफी सारे लोग देखिए ज्यादातर इनको नॉन मुस्लिम में ही रखते हैं बिकॉज अच्छा। वास्तु के लिए जो उनका कछुआ समथिंग बोलते हैं सुनता हूँ मैं काफी बोलते हैं कछुआ रखने से अच्छा होता है तो इस वजह से अपोजिट दोस्त लोगों में इनको गिफ्ट करा जाता है तो ऐसे काफी सारे गिफ्ट चलते हैं तो उसमें हमारे पास रेडियस स्लाइडर जो है पर मंथ 3000 पीस सेल होते हैं अच्छा हाँ पर मंथ आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं काफी सारी क्वांटिटी है ये और सबसे ज्यादा भाई समझ लो इस वीडियो की शान यही है ठीक है आपके पास और भी बहुत सारे खतरनाक आइटम है पर ये यार अपने आप में काफी फीसेबल पे बोलते ना काफी यार अफोर्डेबल भी है ठीक है अफोर्डेबल भी है और काफी सारे लोग जो है इसमें टर्टल और टॉर्टोइज में कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ यार क्योंकि टॉर्टोइज जैसा लग रहा है देखने में हाँ देखिए पहली बात तो ये टर्टल है जो फ्लैट सरफेस आता है ना हाँ, जैसे हाँ। ये फ्लैट है तो आप इसको टर्टल है ओके और ये थोड़ा हाई में आ जाता है जैसे हाइट अच्छा तो ये टॉर्टोइज है और ये हो गया आपका अल्डब्रा टॉर्टोइज ये देख लो भाई सबसे मेन इसे बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट टॉर्टोइज है हाँ अल्डब्रा टॉर्टोइज जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट टॉर्टोइज है और काफी बड़ा हो जाता है हाँ हाँ और इसके आप ग्रोथ भी देख सकते हैं काफी अच्छी है बिकॉज ये अभी इसको ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का है ये हाँ हाँ तो काफी अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो रही है काफी माने पिछले बार सुसु इसने ही किया था मेरे हाथ में नहीं वो सलकटा टॉर्टोइज सलकटा मैं तो बता रहा हूँ भाई ये इसको बोलते हैं एल्डब्रा लेकिन मैं इसको पैसे बोलता हूँ एल्डोराडो
एल्डोराडो टॉर्टोइस, एल्डोराडो जानते हो ना, केजीओ देखी होगी, एल्जो आजो, ये अपने आप में अलग यार, सेकंड लार्जेस्ट टॉर्टोइस, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में दिखाया भी होगा। पीस जो आता है ये 5 लाख रुपीस ईच पीस में आता है, उत्तेरी मतलब सिंगल पीस 5 लाख रुपए का है। अच्छा, तो ये मतलब रेयर भी काफी है। काफी रेयर है क्योंकि अल्ट्राब्रा जो जैसे ब्रीड कम होते हैं, पहली बात मैं सभी जो हमारे व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इन लोगों को मैं पहले बता दूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग हमें मैसेज भी करते हैं कि भैया आपके पास थोड़ा महंगा मिलता है। हाँ। तो महंगा होने की वजह ये है, जो चीज ज्यादा ब्रीड होती है उसका प्राइस जो रहता है वो कम रहता है। हाँ। और जो चीज ज्यादा ब्रीड नहीं होती उसका जो प्राइस जो हो जाता है एकदम हाई। हाँ। जैसे कि अभी सलकटा टॉर्टोइस को रख लो, 25,000 रुपए का है। हाँ। और वही अल्ट्राब्रा आप रख लो तो 5 लाख रुपए का, क्योंकि इसकी जो जनरेशन है काफी कम है और वर्ल्ड में इनको क्या हुआ है, गिनीज ऑफ बुल रिकॉर्ड जो भी वो रिकॉर्ड में रखते हैं तो उस रिकॉर्ड में भी इनका सबका नाम आता है प्रॉपरली। अच्छा। ये वर्ल्ड में कितनी क्वांटिटी में अभी बचे हुए हैं। और एक और टॉर्टोइस का मैं नाम ले लेता हूँ जो पूरे वर्ल्ड में अभी सिर्फ 20 पीस ही बचे हुए हैं। अच्छा, अंगोनो का टॉर्टोइस है। अंगोनो का टॉर्टोइस है, अगर वो आप कोई खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ उसका एक पीस का प्राइस है 24 CR। 24 CR, 24 करोड़ रुपीज एक पीस है। अच्छा, वो लीगल है ब्रो? अंगोनो का, हाँ लीगल है, लेकिन वो बाहर कंट्री का है तो हमारे इंडिया में लीगल है। अच्छा, तो ऐसे प्राइस में भी मैं टॉर्टोइस जब सुनता हूँ मतलब अलग फीलिंग में चला जाता हूँ, यार मेरे पास भी हो ही है 24 CR, अगर हो तो मैं उसको ब्रीड कर लूंगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेट रहता है ज्यादातर सेल पे नहीं रहता। हाँ। मेरा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहता है ब्रीडिंग। इसका नाम है लेगलेस लिजर्ड। ये देखो भाई पास से लेगलेस। अच्छा, लेगलेस लिजर्ड का मतलब, अच्छा लिजर्ड है, स्नेक नहीं है? हाँ, स्नेक नहीं है, ये लिजर्ड है। के? तो तुम देख लो इसको, समझ, देखिए बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं भाई स्नेक है। हाँ, स्नेक ही लग रहा है। नहीं, स्नेक नहीं है, ये लेगलेस लिजर्ड है, ये बिना पैर वाला लिजर्ड है। बिना पैर वाला लिजर्ड है और ये काफी ब्यूटीफुल है। और इंडिया में मैं मेरे खुद का जो चैनल है उस पे भी आज तक पोस्ट करके नहीं हूँ, आप ही के चैनल पे दिखा रहा हूँ। इसी बात पे सरप्राइज बोलो, सब्सक्राइब कर दो कर्नाटक एक्वेरियम को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई, ठीक है। लेकिन अपने आप में काफी यूनिक यार है, लेगलेस लिजर्ड। हाँ, लेगलेस लिजर्ड है, विदाउट पैर वाला लिजर्ड। हाँ, बिना पैर वाला लिजर्ड है, बहुत यूनिक है, बहुत माने बहुत यूनिक है। बड़ा अलग सा है छूने में यार। हाँ, उत्तरी काटता भी कुछ नहीं करेगा। और इसका जो डाइट है काफी ब्यूटीफुल है, मिलवर्म्स खा लेगा और पिंकीज खा लेगा, जो छोटे छोटे चूहे के बच्चे आते हैं। हाँ। वो खा लेगा। और यूनिक में तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि लेगलेस माने काफी रेयर स्पीशीज है। किस कंट्री से है ये? ये ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ये। हाँ हाँ, तो उधर के जंगलों में पाया जाता है ये, लेकिन ये कैप्टिव ब्रीड है, जो जैसे घर पे रख के ब्रीड करा जाता है तो ये कैप्टिव ब्रीड है। ये एक्चुअली मेरे कस्टमर के घर से मैंने इनको लिया था, टोटल 10 बच्चे हुए थे, तो ये 10 बच्चे भी मेरे पास आए हुए हैं अभी। अच्छा, अभी मेरे पास जो कल 2 पीस सेल हुए, अभी मेरे पास 8 पीस ही बचे हुए हैं। हाँ हाँ, तो काफी रेयर होने की वजह से ये भी मिलते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो सांप तो वैसे गंजे ही होते हैं, सांप में बाल का होते हैं, पर ये मुझे पता नहीं क्यों देखो ऐसा लग रहा है, टकला सांप है ये, वैसे सांप भी नहीं है। आप इसका फेस देखिए ना, लिजर्ड। देखिए, अगर मैं इसको पूरी बॉडी छपा लूं तो सिर्फ फेस ही दिखाऊं तो लिजर्ड दिखेगा, ऐसे पूरी बॉडी दिखाऊं तो आपको स्नेक लगेगा। हाँ, ये बात तो सही। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पे इसकी कटिंग हो रखी है यहाँ तक? देखिए भाई, इसकी बॉडी इधर तक खत्म हो गई। अच्छा, जो इसका पॉटी करने की स्पेस है ये इधर तक खत्म हो गई। अच्छा। और बाकी जो आपको इधर से एक्स्ट्रा जो भी दिख रहा है ये सब इसकी टेल है। अच्छा, क्योंकि ये लिजर्ड है, लिजर्ड को टेल तो बड़ी आती है, तो इतने तक, और इसको इतने तक ही इधर 2 पैर और इधर 2 पैर आने चाहिए थे। अच्छा, लेकिन कुदरत ने इसको ऐसे बनाया लेगलेस। अब ये आपके डे गेको है। डे गेको? हाँ, डे गेको, उनका नाम ही है डे गेको। अच्छा। हाँ, ये भी काफी बड़े गेकोस हैं, जो चिपकली बोलते हैं ना, ये चिपकली है। अच्छा, ये चिपकली है, प्रॉपर चिपकली है। ओके। और ये भागने में एकदम नंबर 1 खिलाड़ी है। अच्छा, तो इस वजह से मैं इनको बाहर नहीं निकालूंगा। इसमें भी मेरे पास मेल फीमेल सब अवेलेबल है और इनका जो प्राइस है सिंगल पीस का 20,000 रुपीज सिंगल पीस है। अगर किसी को पेड़ चाहिए तो भी मिल जाएगा मेल फीमेल, और ये काफी अच्छा ब्रीड करते हैं। पकड़िए। अच्छा, इसको पकड़ सकते हैं? ये पक्का नहीं काटेगा? नहीं, 100% नहीं काटेगा। अच्छा, ऐसे? हाँ। ये देखो भाई, स्पाइडर बॉल पाइथन। और ये पैस्टल बॉल पाइथन है। यार ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, इसको ऐसे तो बना कर दो ना। करेगा बॉल पाइथन वैरायटी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, ये पूरा कंफर्म है? हाँ, 100%। पर मैंने देखा यार, सांप बेशक जहर नहीं होता पर काट तो सकते हैं भाई। काट तो सकते हैं, बॉल पाइथन भी काटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अरे यार, तो उसको हो गया ना,
यार मुझे मोटा लगता, तुम जानते ही हो ये। देखो अच्छा तो ये कौन सा है? ये पेस्टल बॉल पाइथन है। अच्छा हाँ, ये पेस्टल बॉल पाइथन, ये फीमेल है। हाँ हाँ, ये बहुत तगड़ी है यार। उससे पहले तुम नीचे देख लो यार, नीचे अपने पास यहाँ पे द मोस्ट डिमांडेड एनिमल ऑन माय चैनल मार्मोसेट मंकी। इसके ऊपर क्या है, हम एक नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं प्रॉपर। ये मंकी मेरे अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया, क्या वजह थी इसके ऊपर, एक शॉर्ट वीडियो हम इसके ऊपर नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है? तो इसको तुम पास से दिखा दो अभी। ये देख लो भाई, ये अपना वाला मार्मोसेट मंकी, ठीक है? तो मैंने फाइल कर, तुम देख सकते हो, तुम्हें पिछली वीडियो में याद होगा ये तो कवरिंग थी, वो भी यही थी ना। हाँ देख लो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, छोटी होगी पर उसमें हम प्रॉपर बताएंगे कि मंकी का क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाया और आएगा तो कब आएगा। बियर्डेड ड्रैगन तुम देख लो, एक वक्त पे तुम जानते होगे मेरे को कितना मन था बियर्डेड ड्रैगन लेने का, पर वो ये वो हो नहीं पाया। पर देखो कैसे कैसे मुंह फाड़ रहा है, देख रहे हो? ओ भाई साहब, तो मतलब क्या ये थोड़े डेंजर में आते हैं? नहीं नहीं डेंजर कुछ नहीं, इसको देख रहे हो बड़ा डेंजर लग रहा है। काटे वैसे हैं लेकिन वो चुभते नहीं है ना, तो दिखने में वैसे हैं क्योंकि डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं, अंदर ऐसे चले जाते होंगे। ये ऑलरेडी मीटिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो मैं सेल करने का अभी इनका प्रोग्राम नहीं बनाया हूँ। अच्छा, क्योंकि ये मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा जोड़ा मिलना काफी मुश्किल है। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ खुद रख लूँ। अच्छा अच्छा, अगर किसी को चाहिए तो ये 1,50,000 रुपीज फेयर है। ले बाकी तुम कॉल में करके फिर डिटेल्स जान सकते हो, ठीक है? और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। हाँ। और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है कर्नाटका एक्वेरियम, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है टोटल लिंक वगैरह। हाँ, सब कुछ है, तो उसमें भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसपे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलते रहेंगे। मैं उसपे ज्यादातर सेल प्रमोट नहीं करता हूँ, उसपे बस नॉलेज देता हूँ एनिमल के बारे में, और काफी बढ़िया नॉलेज होती है, देखा है मैंने। उसमें बस नॉलेज देता हूँ कि एनिमल को कैसे रखते हैं, क्या खिलाते हैं, कैसे पालते हैं, उसका इंक्लोजर क्या है। मैं बिल्ली देख रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इससे पहले मैंने बिल्ली जहाँ कभी देखी नहीं थी। तुम देख लो कितनी क्यूट लग रही है बिल्ली, देखो कितनी छोटी है, बेबी है ये देखो, ये सब गुस्से में आ रही, देख रहे हो? ये पर्शियन किटन्स है। अच्छा पर्शियन है ये? हाँ पर्शियन किटन्स है। ओके, 45 डेज के किटन्स है। हाँ काफी बच्चे हैं यार। इसकी कितनी प्राइस होती है फिर पर्शियन? इसका 7,500 सेल करता हूँ मैं। अच्छा, और ये भी मैक्स टू मैक्स दिल्ली तक पहुँच जाएंगे क्योंकि दो दिन सफर ये अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो पर्शियन कैट में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गई ना? पर्शियन कैट ऐसे तो सर्वल कैट है, सवाना कैट है, लायन कप्स है, टाइगर कप्स है, वो भी तो कैट वैरायटी में ही आते हैं ना। कैट्स में काफी सारे वैरायटी आते हैं, पुमा भी कैट वैरायटी में आ जाता है। ये पुमा वही ना, वो जो बहुत खतरनाक सा लगता है, वो बड़ी साउंड है, पुमा है, तो ये मिलता है आप पे? नहीं देखिए एग्जॉटिक वो डॉक्यूमेंट वगैरह अभी मेरे पास पुमा में एक्चुअली है मेरे पास। हाँ। लेकिन वो सेल का नहीं है, उसको मैं बस ब्रीडिंग के लिए रखे हूँ। अच्छा, जो 8 months है, आने वाले अगले साल में वो भी ब्रीड हो जाएगा। बहुत खतरनाक वैरायटी होती है पुमा वाली। पुमा माने लायन है वो, एज इट इज लायन जैसा आता है, जो लायन फीमेल आती है सेम ऐसे ही पुमा आता है। उनमें से काफी लोगों ने यार रील्स में ना देखा होगा, क्योंकि वो कॉमन है, मतलब वो घुर्राता है अपने ओनर पे और कई चिकन बड़ी तेज से खींच के भागता है वो। और उसमें सर्वल कैट भी काफी ब्यूटीफुल आती है। अच्छा, हाँ बंगाल कैट जैसे ही आती है सर्वल कैट। तो हाँ, काफी सारे वैरायटी है, काफी हो। मैं तुम्हें दिखाया तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे भी कुछ इगुआना जैसे उधर दिखाए थे वैसे इगुआना यहाँ पड़े हुए हैं। और तुम यहाँ देख लो मछलियाँ की तो एज ऑलवेज वैरायटी बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है? काफी मछलियाँ हैं। और मछलियों की स्टार्टिंग प्राइस कितने यहाँ पे? मछलियों की स्टार्टिंग प्राइस 5 rupees से है, 5 rupees से, और 5 rupees से लेके 1 crore तक मछली मिल जाती है। ये देख लो भाई, 5 rupees से लेकर 1 crore तक की वराइटीज है पूरी मछलियों की, ठीक है? काफी मछलियां है, देख लो यार, मैं तो पिछली वीडियो में दिखाया भी था, बहुत मछलियों की वराइटी है, ठीक है?